घर के अंदर आरती कभी कभी मजाक करती हुई नजर आती है। वहीं आरती का नेचर घर के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्प है। आरती की किसी से भी लड़ाई नहीं हुई, और अगर आरती किसी को कुछ बोल देती है तो आरती उसके बाद उस कंटेस्टेंट से अपने आप बात कर लेती है। लेकिन बिग बॉस के घर में आरती ने अपनी इच्छा पूरी की है, और आरती की इस इच्छा को पूरा करने के लिए आसिम ने उनकी हेल्प की है। दरअसल आरती की जब वो छोटी सी थी तब से ख्वाहिश थी कि जैसे माधुरी और आमिर की फिल्म दिल में एक सीन हुआ था जिसमें आमिर जेल के अंदर होते हैं और माधुरी उनसे जेल के अंदर मिलने जाती है, तब आमिर माधुरी को गले से लगा लेते हैं। बता दें वैसे ही आरती और आसिम एक दूसरे से करीब होते हुए नजर आए। आसिम ने जेल के अंदर से आरती से गले मिले। जी हाँ, आपने सही सुना, आरती और आसिम ने किया है एक दूसरे को हग। हुआ ये था कि आसिम जेल के अंदर होते हैं और वहाँ पर आ जाती है शहनाज और आरती। आरती वहाँ पर आकर आसिम के लिए गाना गाती हैं, और पीछे से शहनाज आरती को परेशान करने लगती हैं। इतनी देर में गाना गाते गाते आसिम आरती को जेल के अंदर से ही हग कर लेते हैं। जैसे ही आसिम आरती को हग करते हैं, आरती कहती हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जेल के अंदर हो और मैं उससे मिलने जाऊं, उसके लिए वहां जाकर गाना गाऊं और वो मुझे हग करे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आसिम कहते हैं कि तुम अगर ऐसे ही इतने प्यार से मेरे पास आओगी तो मैं रोज तुम्हें गले से लगा लूंगा, लेकिन तुम मेरे पास आती ही नहीं हो तो गले से कैसे लगाऊं, लेकिन अब से आना मैं रोज तुम्हें गले लगाऊंगा। इस पर आरती खुश हो जाती है और आसिम को आई लव यू बेबी कहती है। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप आरती और आसिम की इस केमिस्ट्री को देखकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन से जुड़ी हर टेढ़ी खबर के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।